सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू. अभी तक सर्किट थ्योरी में आप लोगों ने देखा नॉर्टन थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम के बारे में, नॉर्टन, थेवनिन, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इंटेलिजेंस थ्योरम. तो आज मैं आप लोगों के लिए फील्ड थ्योरी पर जो है कुछ लेक्चर्स लेके आया हूँ. ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा फील्ड थ्योरी का. तो फील्ड थ्योरी एक्चुअली जो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, सर्किट थ्योरी और फील्ड थ्योरी दो सब्जेक्ट मिल करके AMIE के सिलेबस के हिसाब से, AMIE के सिलेबस के हिसाब से जो पेपर है हमारा, दैट इज सर्किट्स एंड फील्ड्स. जैसा कि मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया हुआ है कि जनरल जो इंजीनियरिंग बीटेक जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहे हैं उन लोगों को ये सर्किट थ्योरी और फील्ड थ्योरी दो अलग अलग पेपर पढ़ना होता है. लेकिन AMIE के स्टूडेंट के लिए ये दोनों पेपर एक साथ मर्ज किया हुआ है और वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के रूप में पूछा जाता है. तो ग्रुप ए से मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ग्रुप बी में मैं जो है फील्ड थ्योरी पर जो है मुझे डिस्कस करना है. और मैंने जो एनालिसिस किया है फील्ड थ्योरी के लिए, जो आपका सिलेबस है, फर्स्ट वन इज वेक्टर कैलकुलस. और जो मैंने देखा है कि वेक्टर कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है. लेकिन यदि हम लोग फील्ड थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना होगा. क्योंकि अगर आपका ग्रिप बन जाता है वेक्टर कैलकुलस पर तो फील्ड थ्योरी के प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा. तो पहले पार्ट में वेक्टर कैलकुलस को हम लोग देखेंगे. इसके अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और इसके पहले जो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हम लोग देखेंगे. कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सबको, फिर हम लोग लेंथ, सरफेस और वॉल्यूम को वेक्टर ग्रुप में डिफाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में. तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों को इस सिलेबस में पढ़ना है. पहला है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं. उसके बाद आएगा आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके बाद आएगा आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. हम लोग वन बाय वन उनको सबको जो है डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस में. इसके बाद जो मेजर टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कि ऑलरेडी आप लोग जो है प्लस टू में, टेंथ प्लस टू में जो है अब इंटरमीडिएट के दौरान जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा इसको पढ़ने का जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चेंज करना होगा. यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं प्लस टू में, उसको डिफरेंट व्यू से देखना होगा विद व्यू ऑफ वेक्टर. मीन्स आप कूलम्स लॉ को पढ़े हुए हैं, कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़े हुए हैं, पोटेंशियल पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पढ़े हुए हैं. यहाँ पे ई से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम लोग पढ़े हुए हैं. ये इन सब को हम लोग लेकिन नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोग इसको एक वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ड्यूरेशन में ही हम लोग जो है डाइवर्जेंस थ्योरम, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्टोक्स थ्योरम, ये दो थ्योरम को हम लोग कंप्लीट करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम. हालांकि आपके सिलेबस के हिसाब से वो इसके दौरान पढ़ना है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटर करके इसको पढ़ेंगे. तो बेसिकली इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा, क्योंकि एक बार पहले डाइवर्जेंस और स्टोक्स को अलग से पढ़े, फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे यूज करेंगे वो पढ़े, तो हम डायरेक्ट यूज करते हुए डिफाइन करते चले जाएंगे. और इस तरह से हम लोग अपने टाइम को भी सेव करेंगे. इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो मैग्नेटोस्टैटिक्स होगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स. इसमें स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे. उसके बाद जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा एक्चुअली क्या होगा, टाइम वेरिंग फील्ड होगा. हमारा जो फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी करता हुआ होगा.
उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन वगैरह है, वेव प्रोपेगेशन कह सकते हैं हम लोग, सिंपल इस चैप्टर को नाम दे सकते हैं कि वेव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मोस्ट ऑफ जो है ये चार चैप्टर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 90% क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे। 90% क्वेश्चन मैं जिस ढंग से बोल रहा हूँ इसका मतलब कि अगर आप सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो आपको जितना आउट ऑफ उस क्वेश्चन में से सॉल्व करना है वो आप 100% सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं, आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसको वन बाय वन डिटेल में डील करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फील्ड थ्योरी के बारे में। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से इसको फील्ड थ्योरी का नाम दिया गया है, किसी किसी यूनिवर्सिटी के हिसाब से यदि हम लोग इसको देखते हैं तो इसी पेपर को सेम चीज, सारा चीज सिलेबस वगैरह सेम रहेगा हमारा। पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसी को हम लोग फील्ड थ्योरी बोलेंगे। बेसिकली यहां पे अगर देखें वी हैव टू पार्ट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, मींस हियर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स ड्यूरिंग दिस पेपर वी विल कंबाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड बिफोर कंबाइनिंग दिस वी विल एनालाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन, देन वी विल एनालाइज मैग्नेटिक फील्ड अलोन, आफ्टर दैट वी विल मर्ज बोथ द फील्ड एंड वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड दैट वन इज द टाइम वेरिंग फील्ड। ओके, सो बेसिकली here we will talk about the field which is produced by the electric phenomena and which is produced by the magnetic phenomena, so this paper is named as electromagnetic theory। to agar aap electromagnetic theory ko padhte hain bahut acche se to aap most of electrical engineer ke liye khas kar bahut sare paper pe bahut hi acche dhang se pakad hoga। to agar hum बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अगर हम लोग सेंटर पोजीशन पर रख दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को हम लोग सेंटर पोजीशन पर रख दें, इफ यू आर एक्सपर्ट एंड मास्टर ऑन दिस टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस यू आर एबल टू एनालाइज सर्किट थ्योरी। तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सर्किट थ्योरी में हम लोग वोल्टेज एंड करंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज और करंट हमको कहाँ से मिल रहा है, विदाउट दिस फील्ड, इफ दिस फील्ड इज नॉट क्रिएटेड देयर देन वी कैन नॉट फाइंड द वोल्टेज एंड करंट। तो बेसिकली सर्किट थ्योरी इज द generalized form of this electromagnetic field, we can say generalized form of electromagnetic field। So somewhat we will see that circuit theory is very easy with respect to this, because here we have vector calculus, due to that electromagnetic tools will be very complex with respect to circuit theory, but once if you are expert on electromagnetic field then you will find that circuit theory will be very easier। देन इलेक्ट्रिकल मशीन, यस इलेक्ट्रिकल मशीन ये हम लोगों का सबसे कोर पेपर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट के लिए ये इलेक्ट्रिकल मशीन जो है कोर पेपर है। और ये इलेक्ट्रिकल मशीन में एनालाइज करना, तो आपका स्टडी दो तरह से है, एक तो आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको सिंपल पढ़िए क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दूसरा चीज, आप मास्टर बनना चाहते हैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर आप कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे, वहाँ पे कभी क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट किया जाता है और आपको अगर वो वहाँ का कुछ बेसिक फार्मूला भूल जा रहे हैं, तो आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट पे इंटर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। ये इस पेपर का ये इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में बात करते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी बोल सकते हैं हम लोग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन तब होगा जब कोई अगर रिसर्च वर्क कर रहे हैं,
कोई बंदा अगर रिसर्च डीएसपी के फील्ड में रिसर्च वर्क में कोई काम कर रहा है, रिसर्च सेक्टर में है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के कॉन्सेप्ट का पूरा फुल यूटिलाइजेशन करना है यहाँ पर। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पावर सिस्टम है, खासकर जो ट्रांसमिशन में काम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे पेपर हैं, मैं एक छोटा सा हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ, एक छोटा डिस्कशन है क्योंकि हम लोगों को सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो ये बहुत सारे पेपर को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट से यदि ये सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही ईजी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, समय भी हम लोगों को देखना है उसके हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट वेक्टर। सो वट एवर वी हैव क्वांटिटी, वोल्टेज इज अ क्वांटिटी, करेंट इज अ क्वांटिटी, पावर इज अ क्वांटिटी। सो वट एवर वी हैव क्वांटिटी, इफ वी क्लासिफाइड देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एंड वी हैव टू नो अबाउट द डिटेल नॉलेज ऑफ द वेक्टर। सो एक्चुअली स्केलर के बारे में हम लोग जानते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो है किसी के पास कोई एक मास है m, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये डिस्क मेरे हाथ में है, इसका कुछ मास होगा m, तो दिस मास हैज नो डायरेक्शन बट हैज मैग्नीट्यूड, इसका एक कोई वेट है, लेकिन ये वेट क्या है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। तो देखेंगे हम लोग कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो देयर विल बी ओनली मैग्नीट्यूड। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेट देन वी विल सी दैट वी विल राइट वेट इक्वल टू एम जी, मीन्स वेट हैज डायरेक्शन डाउनवर्ड, इन दैट केस वी कैन डिफाइन इट एज अ वेक्टर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोगों को बात करना है तो हम लोग लेके चलते हैं। ओके, सो वी हैव इलेक्ट्रिकल फील्ड, वी हैव फोर्स, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स कि द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर मान लेते कोई ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग इस ढंग से कर सकते हैं। तो तीन फॉर्मेट है रिप्रेजेंट करने का, इन जनरल हम लोग बार का सिंबल यूज करते हैं, कभी एरो का सिंबल यूज करते हैं और कभी हेड का सिंबल यूज करते हैं। इन जनरल जो मैं अपने स्टडी में करूँगा वो मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। एरो से हमको डायरेक्शन में पता चल रहा है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एरो में। ये हो गया आपका टेल, ये पार्ट हो गया टेल, ये फ्रंट, या एरो भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सो इफ एनी क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ए, देन वी कैन राइट इट एज अ ए, जहां पे ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड है, यानी मॉड का सिंबल अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो मैग्नीट्यूड होगा। एच फॉर एग्जांपल 3 कोई मैग्नीट्यूड है, 4 मैग्नीट्यूड है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और इसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। ओके, तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर को शो करते हैं। तो वेक्टर में जैसे कि हम लोग सिंपल स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग यहां पर भी एडिशन वगैरह कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए ए प्लस बी प्लस सी,
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी दोनों ही केस में ये होल्ड करेगा। तो एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन देखते हैं, ये आसान है, वो कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली हमको क्या देखना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को अच्छे से समझना है हम लोगों को कि स्केलर क्वांटिटी अगर हमारा था तो प्रोडक्ट करना क्या था, 3 × 4। हम इसको लिख सकते थे 3.4 या ब्रैकेट के अंदर में रखे हुए हैं तो ये ढंग से हम, और हर बार हमको मैग्नीट्यूड सेम ही मिलेगा। लेकिन कोई दो वेक्टर क्वांटिटी अगर हम लिए हैं, एक ए और एक हम वेक्टर क्वांटिटी लिए हैं बी, तो यहाँ पे ये डॉट और क्रॉस जो यूज कर रहे हैं वो दोनों का यहाँ पे अपना डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। मीन्स इफ वी आर राइटिंग ए डॉट बी एंड इफ वी आर राइटिंग ए क्रॉस बी, देन दिस विल बी ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा एंड दिस विल बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमारा ये आ रहा है, यानी कि दोनों में एंगल चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये हमारा कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। यानी ये जो रिजल्ट आ रहा है दिस विल बी स्केलर क्वांटिटी बट दिस रिजल्ट विल नॉट बी स्केलर, दिस विल बी वेक्टर। तो दो वेक्टर को गुना करने पर स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि इस रिजल्ट का, ये जो रिजल्ट मिल रहा है हमको फाइनल, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम लोग इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि क्या होगा। सपोज वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटी पी एंड क्यू इन अ स्पेस। अभी तक हम लोगों को नॉलेज है स्पेस में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो एक्स एंड वाई का, तो यहाँ पर कोई वेक्टर पी है, यहाँ पर कोई वेक्टर क्यू है जो कि ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है, तो इसको हम डिस्टेंस बोल सकते हैं आर पी, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्यू, ठीक है। ये पहले उसको, इसके जानने के पहले पहले हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को ठीक से देखें। तो ये लेते हैं, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो जब आप ए डॉट बी कर रहे हैं, ए डॉट बी कर रहे हैं, उस वक्त ये हमारा प्रोडक्ट है ए डॉट बी, यानी इस ए को बी पर लेके आ गए, और उस वक्त वो दोनों मिल करके क्या वैल्यू दे रहा है, इसको इमेजिन करना है कि ए आप खुद हैं और उस आपको यहां पे लेके आए जब, तो आपका वैल्यू यहां पर क्या है, जो वैल्यू यहां था यहां पर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि हम जब यहां पर आए हैं तो थीटा डिस्टेंस, हम एक सर्कल में थीटा डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं, तो वही वैल्यू नहीं होगा जो कि यहां पर है, और वो वैल्यू चेंज होकर के हो रहा है आपका ए बी कॉस थीटा, क्योंकि जिस साइड जिस रेफरेंस से वो एंगल बना रहा है वहां पर हमारा क्या होता है कॉस थीटा। अगर हम ये क्रॉस कर रहे हैं तो देखेंगे दो बात है, जब डॉट कर रहे थे तो हम इधर से जाएं या फिर ऐसे घूम के आएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले ही बताएं ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि यहाँ पे ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी अभी ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है उस बात पर डिपेंड करेगा। अगर एक क्लॉकवाइज है तो हमारा जो वैल्यू होगा ए बी साइन थीटा इंटू ए एन, यहाँ पे ये कहलाएगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्यों, इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेसिकली जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन है, यानी कि ए और बी अभी किस प्लेन पर है,
अभी वो एक्स वाई प्लेन पर है, ठीक है, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसी पर हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है जो दोनों में आपस में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, वेक्टर ए अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हुए एक बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखें हम अपना राइट हैंड रूल को रखें और ये मूव कहाँ कर रहा है, तो थंब का डायरेक्शन जो है, इसका मतलब ये रिजल्ट जो है वो उस डायरेक्शन में आएगा। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता तो देखें थंब हमारा इनसाइड द बोर्ड है, इसका मतलब उस वक्त जो ये रिजल्ट होगा वो इनसाइड द बोर्ड हो रहा होगा। तो इस तरह से ये उस डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि ये ए और बी एक्स वाई प्लेन पर है और उस प्लेन से वो 90 डिग्री पर रिजल्ट होगा हमारा, ऑर्थोगोनल होगा उस प्लेन पर जहां पर कि ये दोनों वेक्टर लाई कर रहा है। तो इसलिए यहां पे हमको ध्यान देना होगा, और जब हम लोग ए डॉट बी को अगर इक्वेट करें कि बी डॉट ए लिख सकते हैं या नहीं, तो देखेंगे ये सही है। लेकिन यही चीज यदि हम क्रॉस में कर रहे हैं ए क्रॉस बी, और अगर हम लिखें बी क्रॉस ए, तो अभी हम देखें कि अगर ए को रेफरेंस बना के हम बी को रोटेट करवा रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा है, और अभी देखिए डायरेक्शन क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, एक आउटवर्ड है तो एक इनवर्ड है, इसका मतलब ये तब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए ही होगा। तो हम लोगों को देखना है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, वेक्टर का सिंबल देते रहना है, अदरवाइज वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोगों को ध्यान देना है, वो ए क्रॉस बी प्लस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम लोग देख रहे हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर अगर कोई दो वेक्टर का एडिशन है उसके साथ में ये क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, ये सही है हमारा। लेकिन अगर ये ऐसा है तो हम अगर इसको लिखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जैसा कि डॉट के केस में था ए डॉट बी डॉट सी, तो हम लोग ये लिख सकते थे ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पर यह वैलिड था। लेकिन यहाँ पर यह वैलिड नहीं है, यहाँ पर यह वैलिड नहीं है, तो ये देख रहे हैं नॉन एसोसिएटिव है, यहाँ पे एसोसिएटिव था लेकिन ये नॉन एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ये, यानी कि इसी तरह अगर हम लिखते ए डॉट बी प्लस सी तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको हम लोग बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये इसको फॉलो कर रहा है, और ये जो है सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो है एसोसिएटिव लॉ को, तीन तरह का प्रोडक्ट जो हम लोग करते हैं और ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के हिसाब से ये तीन तरह का होता है, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्यूटेटिव, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है लेकिन ये नॉन एसोसिएटिव है, जैसे कि फिर कॉम्यूटेटिव को भी देख लें, अगर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, ये हमारा कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, अच्छा वेक्टर का सिंबल हर जगह देना है हम लोगों को, अगर कहीं मिस हो रहा है तो वो आप लोग ध्यान देंगे और उसे पूरा करेंगे, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, ओके। तो ये तीन लॉ याद रखेंगे आप लोग, एक नंबर के क्वेश्चन में ये कभी कभी
आया है किसी किसी साल. ओके, इस रूल्स, इस लॉ के अलावा जो आप लोगों को ध्यान देना है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसके डेरिवेशन में. यह वो कैसे आएगा उसको जानने की जरूरत नहीं है, वो आपको याद कर लेना है. उससे बेनिफिट यह होगा कि हम लोग आगे जाकर के जो कुछ डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उस फार्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, और दूसरा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ये फॉर्मूला जो होता है वो होगा बी डॉट सी क्रॉस ए. हम लोग, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी. ये फॉर्मूला को हम लोग को याद करना होगा. हाँ, वेक्टर का सिंबल दिया जाए क्योंकि इसके बिना तो हमारा ये सही नहीं रहेगा. हाँ, ये देखते हैं, ये दो फॉर्मूला है जिसको कि अगर याद कर लेते हैं तो डेरिवेशन में हम लोगों को काम देगा. इसके ये कैसे आ रहा है रिजल्ट उसको भी हम लोग देख सकते थे, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए इस पर हम टाइम खर्च ना करें तो ज़्यादा अच्छा है. ये दो फॉर्मूला हम लोग को मेमोराइज करना बेहतर होगा, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी. तो हमेशा इसके पहले के सारे वीडियो क्लास में मैंने बोला है कि कैसे याद करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट रटेंगे तो हमको भूलने का चांसेस है, कुछ दिमाग में लगाना होगा. तो प्रॉपर्टीज को ध्यान देंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है. तो देखिए ए बी सी, तो क्रॉस प्रोडक्ट किस फॉर्मेट में है ये देखना है. बी क्रॉस सी यानी सी क्रॉस ए हो सकता है, ए क्रॉस बी हो सकता है. तो देखेंगे बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, बाकी डॉट याद रहेगा भाई, ठीक है. यानी कि ये चेंज नहीं होगा रूल, जब हम C क्रॉस A कर रहे हैं, A क्रॉस B कर रहे हैं और B क्रॉस C कर रहे हैं. कहीं कहीं पे जैसे कुछ डेरिवेशन के दौरान ऐसा हो सकता है कि A डॉट C क्रॉस B हो, तो अगर हम उस वक्त ये वैल्यू को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C क्रॉस B आ गया ना, यानी सॉरी डायरेक्शन में जो है हमारा एंटी क्लॉक वाइज. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, B डॉट C क्रॉस A, या फिर इसके हिसाब से ही चले तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये निगेटिव हो जाएगा. देख रहे हैं हम लोग, किसी किसी डेरिवेशन में अगर ऐसा आ रहा है तो हम इसको इस फॉर्मेट पे ला दें, माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, तो निगेटिव सिंबल दे देंगे, बात फिर वही हो गया और हम लोग उसके डायरेक्शन में, यानी कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है अगर वैसा दिया गया है तो. तो इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी देगा, क्योंकि दो वेक्टर को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो वेक्टर होगा, लेकिन ये एक नया वेक्टर हुआ मान लेते हैं डी. तो अब देखिए एक वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये क्या रिजल्ट देगा हमारा, स्केलर देगा. और ट्रिपल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि तीन क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है, और इस क्वांटिटी में हम लोग बी क्रॉस सी एक वेक्टर निकाले और उसको फिर से वेक्टर प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, इसलिए ये कहला रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो इसका जो रिजल्ट होगा ये एक वेक्टर ही होगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, स्केलर होगा. वेरी गुड, तो ये फॉर्मूला को मेमोराइज करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी. ओके, तो इसको ध्यान में रखना है. ब्रैकेट के अंदर में हम ए को रेफरेंस मान लेंगे, जो क्वांटिटी बाहर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर में ले लिए, और बाकी दोनों जो है अगर बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट सी ए डॉट बी, बाकी जो हर बार रेस्ट बच रहा है उस क्वांटिटी को हम बाहर